यार आप लोगों ने सुना, पूनम पांडे इज नो मोर। यार इट वाज अ शॉकिंग न्यूज फॉर टुडे। मतलब हिला दिया है, क्योंकि उसको देखकर बिल्कुल भी लगता ही नहीं था यार कि उसको सर्वाइकल कैंसर है या फिर वो किसी प्रॉब्लम से, हेल्थ इश्यू से झेल रही है। उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि मतलब उसके बॉडी फिट थी यार। मतलब वो एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह सब चीज कर रही है। वैसे तो ऐसी बहुत से केस हो चुके हैं इंडस्ट्री में क्या, ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन मैं कई बार सोचने बैठती हूँ तो कि हमारे ऊपर इतना मोटापा है, हम खुद को टाइम दे ही नहीं पाते हैं। साला ऑफिस के चक्कर में, घर के चक्कर में, घर का काम, ऑफिस का काम, खुद के लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो अगर ये लोग फिट नहीं है, इतना ध्यान रखने के बाद, जिम करने के बाद, इन लोगों का काम ही सिर्फ अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, तो अगर ये लोग फिट नहीं है तो हम कैसे फिट हो सकते हैं। इट वॉज अ शॉकिंग शॉकिंग यार। लेकिन मुझे उसकी जर्नी से सिर्फ एक सीख जरूर मिली है। मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मैं किसी को यहाँ पे जज नहीं कर रही हूँ। सबका अपना अधिकार है कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में, क्या नहीं करना चाहता है। सो जो सीख मैंने इससे ली है वो ये है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया पैसा कमाने के लिए, कि अब कुछ भी लगा लो वो हर किसी लेवल पे गई है। मतलब बट ये था कि आज देखो खाली हाथ चलेगी। इतनी कम एज में उसके साथ तो कुछ भी नहीं गया ना, सब कुछ यही रह गया जो भी उसने कमाया था, जो भी किया था। और ना अभी तक उसने शादी उसकी सक्सेसफुल रही, कोई बच्चा नहीं था। तो मुझे लगता है कि अगर आपके ऊपर कोई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो पैसे के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। बट ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। सब पैसा कमाने के लिए, अपना घर चलाने में भी उसकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। बट मुझे लगता है कि हर चीज़ एक लेवल पे रह के ही करनी चाहिए। आप क्या बोल सकते हैं? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस पूनम पांडे। और आप सब भी अपना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मेरे लिए तो ये शॉकिंग न्यूज़ थी आज सबको, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग उनको इंस्टा पे देखते हैं, उनकी रील्स वगैरह देखी थी। उनको देख के कहीं से भी नहीं लग रहा था कि शी इज़ फेसिंग सम हेल्थ इशू और वॉट एवर, बट वी कांट एक्सप्लेन। चलो, मैं अभी जस्ट ऑफिस से आई थी, और ऑफिस से आती ही मैंने सोचा, मैं पूरा दिन ऑफिस में तो आप लोगों के सामने ये वीडियो नहीं बना पाती ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑफिस से आकर अब वीडियो बनाने लगी थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ बात करके उसके बाद ही मैं कुछ देखती हूँ। बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उनको मैंने बिठाया हुआ है पढ़ने के लिए। चलो आपको भी दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं वो लोग। ये देखो इसने क्या हाल किया हुआ है, फ्रॉक पहन के घूम रही है कपड़ों के ऊपर से ढंग से, और यहाँ पे चल रही है स्टडी, ऑफिस का काम चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे इसने पूरा काम मेरा फैला रखा है, सारा काम कंप्लीट करके जाती हूँ, लेकिन ये बच्चे कुछ नहीं छोड़ते हैं, सब फैला देते हैं। तो अभी मैं लगूंगी घर के काम में। तो आपको मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो। और एक दिल से रिक्वेस्ट है, सब्सक्रिप्शन कर दो यार, आप लोगों का क्या जाएगा। मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि फिर मैं अपने घर बच्चों के साथ घर पे रहकर आप लोगों के साथ गप्पे लड़ा पाऊंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए यार, प्लीज 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 प्लीज। बाय बाय।